हरे महादेव दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो गाइस रात यार बहुत देर हो गई, सोते सोते 3 बज गया था और अभी सुबह मम्मी ने 6:30 बजे उठा दिया क्योंकि कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात यह है कि युवान ना कुछ दिन से थोड़ा परेशान है, जो घरेलू उपाय होते हैं ना वो हमने कर लिए बट उनसे आराम नहीं आ रहा। तो सोच रहे हैं कि अभी उसको पंडित जी के पास ले जाते हैं। भुजा घाट में ना एक जीना जी पंडित जी करके बहुत जाने माने, उनको हर कोई जानता है हल्द्वानी में, तो उनके पास जा रहे हैं। उनसे कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बुलाया है, तो अभी उनके पास जाएंगे। अब जो भी उपाय बताएंगे तो वो हम करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि युवान बिल्कुल वापस से नॉर्मल हो जाएगा, इरिटेट होना बंद हो जाएगा और इतना चिड़चिड़ा जो रो रहा है नहीं वो सब बंद हो जाएगा। और यार उसके बाद ना आके मुझे जाना है शूट पे, तो आप लोग को सरप्राइज़ है, कुछ दिनों में एक बढ़िया एक वीडियो आने वाला है तो उसकी शूट मुझे आज करनी है। तो यार हम लोग निकल गए हैं, पीछे मम्मी बैठी है, आगे दीक्षा युवान है और क्या बोलते हैं कि मम्मी अपना चश्मा भूल गई है और दीक्षा तो दो चश्मे लेके आई, कह रही मम्मी एक मेरा चश्मा आप पहन लो। तो यार अब होटल जा रहे हैं, होटल से कुछ थोड़ा सामान उठाना है, थोड़ा फल फूल लेंगे, फिर अब आपसे मुलाकात सीधे रास्ते पे ही होती है। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, मम्मी को सामान दे दो। दीक्षा युवान का बैग तो जाना नहीं होगा अभी, नहीं ना? ठीक है आ जाओ। तो यार ये है मंदिर, ये इनका घर है यहाँ पे। अब मंदिर पहुंच गए, अब मैं बाकी अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद, अब आपसे यहाँ से निकलते वक्त फिर होती मुलाकात। मंदिर से आ गए और एक अलग ही शांति मिलती है और मतलब इतना रिलीफ मिलता है ना। तो पंडित जी ने बहुत सब समझाया बताया, जो भी था सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो बहुत सुकून है। कुछ ऐसा मेजर नहीं था बट उन्होंने कहा थोड़ा सी कुंडली में कुछ है वो जो चलता है उस वजह से परेशानी थी, और उसका भी सोल्यूशन ने दे दिया है, तो एक पूजा करनी है देन उसके बाद सब कुछ ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकल गए, अब जा रहे हैं घर को। घर आ गया था, नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, पीछे मेरे साथ पंकज बैठा हुआ है। और अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं शूट के लिए, रास्ते में कार्तिक मिलेगा और ड्रोन वाला अंकित जो भाई हमारा है वो मिलेगा। जा रहे हैं सीधे, अभी रुको पूछता हूँ कहाँ जा रहे हैं। अंकित अब कहाँ जा रहे हैं भाई? हम स्टार्ट करते हैं गोलाबार से स्टार्ट करते हैं ना। गोलाबार रोड पे रुके हुए भी हम, पवन का वेट करेंगे, पवन आ रहा है, वो अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने गया था। तो भाई पवन हमें मिल गया है, इसकी ये गाड़ी आगे खड़ी है, अब शॉट की तैयारी चल रही है। तो जो अंकित है जो पीछे कैमरा सेटअप कर रहा है भाई हमारा, वो बैठेगा थार पे और देन उस थार पे बैठ के वो शूट कवर करेगा और पवन भाई गाड़ी चलाएगा। ये क्या कह रहे हो बताओ? मैंने सोचा है कि अंकित को निकालो, इससे निकाल दो सनरूफ से बाहर। ठीक है, इसके बाद आप गाड़ी स्ट्रेट लाओ, फ्रंट का शॉट लेते हैं, बस गाड़ी देखना पीछे की गाड़ी ना। ऑल राइट, पानी उड़ाते हुए ये कुछ फॉरेस्ट वाले कुछ तो दिक्कत दे रहे हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये पवन भैया, भाई पवन भैया बात करके आए, वो परमिशन लेने के लिए बंदरों को फोन करा, अलाउड नहीं अब जाना ना, क्योंकि अभी सुबह 2-3 हाथियों की मूवमेंट और शेर की मूवमेंट है, इसलिए मना कर रहे थे। तो परमिशन लिए, यू गो बाय योर ओन रिस्क, तो बंदरों को फोन करा इसलिए। अच्छा, मैंने कहा मैम कोई हमारी गाड़ी फंसने फंसाने वाली बात नहीं, जहाँ फंसेगी वहाँ हम डालेंगे नहीं, गाड़ी 4x4 है। कोई आगे और जगह नहीं है जहाँ पे अंदर ऑफ रोडिंग भाई भाग वक्त तो हाथियों की बड़ी क्या उनके सामने तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। परमिशन ले लिया, मुश्किल से चेक लगा के यार मैंने। तो यार अभी अपन ना डेंस फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अभी पता लगा है कि यार एलिफेंट और टाइगर की मूवमेंट हुई है, तो रिस्की तो है यार, बट अब कैप्चर तो करना ही है शॉट्स अच्छे अच्छे, तो लेट्स सी क्या होता है यार। सच बताऊँ तो थोड़ी डर भी लग रही है कि भाई ठीक है बाघ वगैरह के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार हाथी नहीं आना चाहिए क्योंकि हाथी के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू स्टे बैक एंड ले डाउन, यही एक सिनेरियो होता है बस। देखो चीज कहना कि देखो हाथी तो ये गाड़ी भी है लेकिन नेचर का जो हाथी है ना उसके सामने थोड़ा सा रिस्की है। पत्थर तो है बड़े बड़े, इसमें ठीक ग्राउंड क्लियरेंस है भाई भाई, आप देख पा रहोगे कि हाथ जिस हिसाब से शेक हो रहे गाड़ी कितनी हिलती होगी। अरे भाई भाई, अरे क्या है।
थोड़ा गाड़ी के पास ही रहना, गाड़ी के आसपास ही रहना, कि बाग बाग का वैसे ही रहता, चोरी छुपे बैठ आते हैं वो। मैं मानता हूँ मैं डर रहा हूँ। हाँ भाई मैं डर रहा हूँ, लेकिन जो चीज लाजमी ठीक है भाई, देखो हो जाता है, क्योंकि देखो रिस्क लो उतना ही लो जितना ले सकते हो, जबरदस्ती का रिस्क लेना बेवकूफी कहलाया जाता है, ठीक है, ये बात भी है। तो भाई अभी ना हम एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में शूट चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बट इट्स स्टिल यार, बट डर भी लग रही बहुत, थोड़ी थोड़ी भी। वही आगे अपनी धार जा रही है और रास्ता इतना ज्यादा रफ है ना, मतलब जो हम ऑफ रोडिंग करते हैं ना उससे ज्यादा रफ है रास्ता। स्कॉर्पियो भी फंस इस वजह से नहीं रही ना, क्योंकि इसमें आपने टायर ऑल टेरेन वाले लगा दिए। हाँ ये है कि मैंने जो टायर लगाया वो गाड़ी में ऑल टेरेन ना, इसलिए इजीली निकल जा रही है, मुझे बहुत दिक्कत नहीं आ रही है। वही वही गुड डिसीजन, स्कॉर्पियो लेने का भी गुड डिसीजन, टायर चेंज करने का भी गुड डिसीजन। चलो भाई अच्छा हुआ। तो यार अभी ना हम लोगों ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, क्योंकि पूरी रोड बह चुकी है। अभी हमारा एक साथी जो थार वाला था, वो जो हमें आगे क्या बोलते हैं कि लीड कर रहा था, वो देख के आया कि यार पूरा रास्ता बंद है। तो अब हमने यू टर्न ले लिया है और यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। रास्ते में कुछ सिनेमाटोग्राफी करेंगे, कुछ शूट्स करेंगे, तो आपको अभी कवर करता हूँ व्लॉग में। बट अब हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं। आई होप कि हमें कोई टाइगर या कोई भी जानवर एक्सेप्ट हाथी वो हमें दिख जाए, तो भाई मजा आ जाए यार। तो हमने यू टर्न ले लिया था। अब देखो ये आगे वाली थार पे ना शॉर्ट्स के लिए वाला जो भाई अंकित वो बिल्कुल सेट है। और देखो ये थार जा रही है और वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, तो उम्मीद तो है कि यार बहुत बढ़िया वीडियो निकल के आएगा। तो यार यहाँ पवन ने अपनी गाड़ी रोकी है क्योंकि आगे ड्रोन शॉट कैप्चर करना है स्कॉर्पियो वैन का। तो क्योंकि आप देखो आगे ना जो रास्ता है वो थोड़ा स्ट्रेट है, ये देखो पूरा स्ट्रेट जा रहा है, तो अब यहाँ पे ड्रोन शॉट चलेगा। अब ये अंकित मेरी गाड़ी में आके बैठेगा और गाड़ी से ड्रोन शॉट लेगा भाई हमारा, और यहाँ से कार्तिक को पीछे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, वो सनरूफ से मेरे ख्याल से ऊपर आएगा अंकित सनरूफ तो। तो भाई अभी ना पीछे कार्तिक का दरवाजा नहीं खुला, एक दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ, कार्तिक का दरवाजा, कार्तिक तो डर गया ना कि भाई दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। Okay. तो यार ये देखो आप ड्रोन यहाँ अंकित ने सेट कर दिया है और ये अंकित भाई हमारा आ गया है यहाँ पे। अंकित भाई तुम्हारी डेडिकेशन देख के भाई मजा आ गया। सच में अंकित तू डर नहीं रहा भाई, सीधे ही चला जा रहा है कहीं भी यार। डर लगता था तो कोई मेरे एक बार मैं गाड़ी का शूट कर रहा था, अपनी गाड़ी की वीडियो दिखाई थी आपको गोलाबार में, मैं अपने दोस्त की अभिषेक नहीं था मेरे साथ, उसकी फोटो खींच रहा था अपनी गाड़ी के पास और हमारे पीछे बाघ खड़ा था। ओ शिट मैन, मैंने ऐसे फोटो खींचे पीछे बाघ ऐसे है। फक, तो पहला रिएक्शन क्या था उस समय? मैंने भाग गाड़ी में, हम दोनों सच में भाई ये तो बहुत ही बैड सिचुएशन है, बहुत ज्यादा यार, मतलब द गुड पार्ट इज कि तुमने होल्ड कर लिया वहाँ पे अपने आप को, पेशेंस लेवल। तो भाई ड्रोन हमारा उड़ चुका है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा बिकॉज आई हैव टू ड्राइव नाउ। तो गाइज बहुत सही ड्रोन शॉट अभी कैप्चर हुआ है, लिटरली हमने भी देखा है ना, तो भाई बहुत सही ड्रोन शॉट कैप्चर हुआ है, तो मजा आ गया सर में। और अभी तक फोन वो फिल्मों वाली नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। और कार्तिक के पीछे से भाग के आ गया क्योंकि कार्तिक डर गया था कि मुझे छोड़ मत देना, कह रहा मैं घर का इकलौता वारिस हूं, इतना सब कुछ नहीं बताते ब्लॉग में। फोन मिल जाती है, मैं स्ट्रांग हूं। यस भाई यार अभी थार ना पीछे से आ नहीं रही क्योंकि हम अभी एक वीडियो के लिए आगे आ गए थे, बट वो दिख नहीं रही है, तो एक बार ना सोच रहे पीछे जाके देखते हैं कहाँ रह गई है। आप पीछे कहाँ रह गए, बहुत देर लगा दी। अबे जंगल में नहीं उतरेंगे अब यार, क्या हुआ? सच में? अरे ये तो गाड़ी के पास थे, मैं आपकी गाड़ी का शूट कर रहा था, मेरे को आवाज सुनाई थी सीधे, शिट मैन, मैं सीधे कैमरा लेके गाड़ी में भागा। ठीक है भाई, पसीना हो गया अभी सच। तो भाई अब उतरना नहीं, बहुत मेरे को लग ही रहा था भाई कुछ ना कुछ सीन होगा। यार आप ये लैंडस्लाइड देख रहे हो, कितना मैसिव है यार ये, देखो
मतलब पेड़ के पेड़ नीचे आए और जहाँ हम गाड़ी से निकाल रहे हैं ये पेड़ पूरा नीचे आके यहाँ रोड पे है, देख रहे हो, बहुत मुश्किल हो रही है। ये रास्ता बिल्कुल नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि यार सीन क्या है, यार क्या हो गया है भाई। बहुत तुम जिस स्पीड से रिवर्स आए ना, मुझे लगा पक्का हाथी आ गया, क्योंकि भाई तुम रुके ही नहीं पीछे आने में। अरे एकदम ये बैठ तो ये बाघ के पंजे देख, बड़े बड़े भाई। अभी अभी बिल्कुल फाइनल अभी के अभी स्पॉट्स आए हैं। चल पंकज गाड़ी बैठ यार, रिवर्स कर रहे हैं जगह है, वो फुटप्रिंट्स हैं वाल टाइगर के। बाघ के पंजे, सबसे पहले मेरे को जाने दो यार, भागो। सबसे पहले सबसे मुझे तोड़ा भी नहीं जाएगा, तुम लोग तो भाग जाओगे। बैठो पंकज। तो यार अभी हम ना वापस जा रहे हैं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी टाइगर के पंजे दिखे हैं, तो हमने देखे और उनको रास्ता क्या रिवर्स करने का, ये नहीं नहीं थोड़ा उसके पीछे और उनको थोड़ा रुक रुक के आने के बोलो, ये मुझे मुड़ता हुआ देखेगा तो खुद ही रुक जाएगा। ओके तो भाई अभी हम ना वापस आ रहे हैं क्योंकि हम एक तो रास्ता पूरा डेड एंड था आपने देखा वीडियो में, और फिर हमें वहीं पे ना टाइगर के फुटप्रिंट्स देखे और तो सच में यार, और वो ऑलमोस्ट फ्रेश लग रहे थे, पर पंकज का कहना है कि नहीं वो पुराने हैं, अभी के नहीं है, कुछ घंटे पुराने हैं, तो वो यार मतलब फिर भी ऑलमोस्ट फ्रेश ही हैं। तो भाई सच में लिटरली बहुत डर लग गई थी अभी, तो अभी हम यहाँ से वापस भाग रहे हैं और हमें वापस उस रूट पे जाना है जिसको हमने भी इतना कवर कर दिया, क्योंकि हम अभी दूसरे रूट से आ रहे थे बट ये रूट पूरा ही बंद है यार आगे से, तो अब हमें वापस एक रूट की तरफ जाना है और फिर हम फिर एक टर्न लेके फिर हम जहाँ से आए थे उसी रास्ते से निकलेंगे। हमने अवॉइड इसलिए किया क्योंकि यार उस रूट में पत्थर बहुत थे, बट अब लेकिन मजबूरन हमें उसी रूट से जाना पड़ेगा। तो गाइस जब तक हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तब तक आप इस पूरे व्लॉग का वीडियो देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक छोटा ग्लिम्स दिखाया था ना पूरी एडिटिंग के साथ, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और उस वीडियो को एंड तक। फाइनली जंगल से बाहर आ गए हैं, चेक पोस्ट पे रुके हैं और यहाँ पे चेक पोस्ट पे कोई आएंगे भैया वो चेक पोस्ट खोलेंगे, मुझे लग रहा है हमारा ये स्काउट ही हमारा चेक पोस्ट खोल देगा लग रहा मुझे अभी। सच में इतना थ्रिलिंग था ना, और भाई इतना एक्साइटिंग था, मतलब डर भी लगी और मजा भी आया, और भाई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी स्कॉर्पियो एन की भाई महिंद्रा वालों अन्न महिंद्रा जी एक नंबर गाड़ी बनाई आपने, एक नंबर गाड़ी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टेरेन से, कैसे भी सरफेस से भाई आप निकालो पत्थर हो कीचड़ हो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये कार्तिक से पूछो भाई ये गाड़ियों के बारे में व्लॉग करता है, उसको सब पता है गाड़ियों का। ये तो भाई हम लोग बाहर आ चुके हैं, वैसे हम ये हम बात कर रहे थे इनके व्लॉग में कि यार इस गाड़ी ने जो परफॉर्म किया है क्या बात है, मतलब प्रॉपर टक्कर दे रही थी थार को। कार्तिक निकल रहे ये सीन दिखाते हैं सामने का, हम ऐसा ब्लॉग में बने रहोगे ना तो एडवेंचर तो दिखेगा आपको और कभी भी कुछ भी तगड़ा सीन दिख सकता है यार, मतलब इसलिए तो भाई ब्लॉग में आपने कंटिन्यूस बने रहना है क्योंकि यू नेवर नो कि हम कब क्या आपको दिखा दें। तो भाई फाइनली हम अब एक रेस्टोरेंट पहुंच गए और यहाँ पे पंकज अंकित कार्तिक और ये पवन भाई टीपी ब्लॉग्स ये आ गए। अब यार कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत थकान हो गई है, और भाई सच में अभी तक का तो एडवेंचर ना मतलब इतना थ्रिलिंग इतना एक्साइटिंग था कि मज़ा ही आ गया। तो हम खाने में देख लो क्या क्या है, इधर है दाल मखनी, फिर है मशरूम मटर मशरूम, रोटी है, पानी है, माजा है, और सब लगे बड़े भाई खाने में सारे के सारे। तो मैं भी शुरू करता हूँ बस। तो यार खाना खा लिया है, निकल रहे पीछे कार्तिक ब्लॉग बना रहा है, पंकज यहाँ है, पवन अंकित ये दोनों यहाँ है भाई, इनको फॉलो कर लेना। अभी एक अंकित का तो पेज है नहीं अभी, पर इसका फोटो प्रिंट करके पेज है उसका फॉलो कर लो। तब हम खाना वाना खा के यार निकल रहे हैं, थोड़ा गाड़ी की हालत देख रहे हो, एक ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन बिल्कुल मड़ी हो गई है। तो भाई ऑल सेट, गाड़ी रेडी बिल्कुल चकाचक एकदम नई हो गई है,
अब हम यहाँ से निकलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो यार अभी जिस लोकेशन पर आए ना भाई, ये तो माइंड ब्लोइंग है। आप देख रहे हो नदी, पूरी नदी देखो आप, ये पूरी नदी। और कसम से यार इस पे ना जो मजा आ रहा गाड़ी चलाने का, अब ये देखो, अब ये थार जाएगी, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। और इसका प्रॉपर वीडियो तो आपको खैर मैं कंपाइल अलग करके दिखाऊंगा। अभी देखो ये थार जा रही है भाई नदी में, ना नदी में गाड़ी का दौड़ाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसी दौड़ा दी गाड़ी में। आप देख रहे हो भाई ये सीन एक नंबर है यार। मतलब अगर आप रियल्स को फील करना चाहते हो ना तो भाई आपको आना पड़ेगा यार यहाँ पे। देखो जाती जा रही, देख रहे हो आप भाई, ये हो रहा है। ये हमारी सेकंड लोकेशन है जहाँ पे हम शॉट करना चाहते थे। सुबह हम कहीं और, इस टाइम अभी हम कहीं और पे हैं, तो सच में आप मिस नहीं कर सकते यार ये व्लॉग। तो भाई अभी ना मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके नदी में। क्या हुआ? ओके, वहाँ से कॉल आया हमारे ड्रोन पायलट का भाई कि शॉट बहुत अच्छा है तो आप आ जाओ। तो मैं जा रहा हूँ नदी में गाड़ी कर। तो भाई अभी पवन ना मेरी गाड़ी से डोनट बना रहा है, क्योंकि देखो भाई, तो देखो यार मुझे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे डोनट बनाना नहीं आता है। तो क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का सब जगह का, तो डोनट में बनाना सीख रहा हूँ। तो वो बना के मुझे दिखा रहा है कैसे, देखते हैं कैसे कवर करता है, देखते हैं भाई इससे बनेगा नहीं बनेगा। ये हम पे ना चढ़ा दे कहीं भाई। बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ओ मिट्टी आ रही है, बन रहा है, बन रहा है, बहुत सही, अच्छा बनाया इनने। ओ तेरी, बस बस। तो भाई ये लोकेशन भी सेट हो गई है, अपने जितने शॉट्स कवर होते हैं अपने सारे शॉट्स कवर कर लिए हैं। वो लास्ट थार वहाँ से एक बार अपनी वॉशिंग करा के, नदी में जाके वॉशिंग करा के आ रही है। फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं वापस सबको ड्रॉप करने के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ घर पे। तो यार फाइनली हम जंगल के मेन रोड में आ गए हैं। अब आप देख सकते हो ये पूरी मेन रोड है, और थोड़ा सुकून मिल रहा है कि यार चलो नॉर्मल एक ट्रेन, नॉर्मल रास्ते पे हमें बस। यार अब सबको, कार्तिक को घर छोड़ के देन वापस मैं घर आऊँगा आपसे अभी थोड़ी देर में। फिर मैं इन सब चीज़ों को निपटाने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ इसी व्लॉग में। तो यार फाइनली हम सब लोग घर आ गए। अभी जस्ट यहाँ से पवन, कार्तिक और अंकित गए, तो डेटा उन्हें दिया, उसके बाद वो लोग चले गए। पवन ने थोड़ा अपना काम था यहाँ पे, अपनी गाड़ी दिलाया तो उसने वो कराया और उसके बाद चला गया। और यार आज का व्लॉग सच में यार, मतलब इतनी मेहनत लगी थी ना गाइस इस व्लॉग को शूट करने में यार। तो जंगल इतना एक्सट्रीम, सच में यार डर तो बहुत लगा इस पूरे व्लॉग को शूट करने में, क्योंकि यार एक्सट्रीम आपने देखा था कैसे कहाँ पर टाइगर हमें सुनने में आया कि साथ वाले टीम को टाइगर की रोर आई, और रास्ते में एलिफेंट आपने देखा वीडियो में, तो कैसा यार वो इंप्रेशन, भले ही आपको ना आया हो बट एलिफेंट भी क्रॉस हुआ था रोड से। तो यार सच में यार आज का व्लॉग सच में बहुत थ्रिलिंग, बहुत एडवेंचरस और बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था, और मेहनत आपको पता है कितनी लगी है यार। और यार अभी तो मैं थोड़ा नहा धो के आ गया हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी की हालत इस वक्त भी क्या है। तो ये आप देखो, ये अभी मेरी गाड़ी की हालत है, तो ये बिल्कुल भी अभी नहाई धोई और फ्रेश नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आज कितना एक्सट्रीम हमने सब कुछ किया है। तो यार ये इसकी स्थिति है, अभी तो इधर अंधेरा हो रहा है, तो आप फ्रेंड से ये तो कल धुलेगी। तो यार बहुत मेहनत लग गई है आज के व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस व्लॉग को सब तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार ये आपको ना ऐसा व्लॉग ना हर दिन देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि यार ये हम रोज़ कर भी नहीं सकते हैं। तो यार सच में अच्छा, और मेरी पुरानी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, गुड नाइट।